काम के चलते थाना आए थे। अच्छा, थाना मतलब चेकिंग किस चीज के लिए हो रही है? नहीं पता हम लोग को नहीं है। किनके आदेश पे ये चेकिंग हो रही है? ये चेकिंग किस लिए हो रही है सर? सर ये अब हमें नहीं पता कि किस वजह चेकिंग हो रही थी, किस लिए ये चेकिंग हो रही थी, और ये नो एंट्री है, शायद नो एंट्री में घुसने के लिए ये चेकिंग हो रही थी। ये एनसीसी कैडेट थे? ये तो हम लोग अभी देख ही रहे थे, अभी आया ही है। अच्छा, हवलदार थे या एनसीसी कैडेट थे? नहीं, इस वक्त हम लोग समस्तीपुर में मौजूद हैं। समस्तीपुर के इस मुसरीघरारी वाले क्षेत्र में आजकल पुलिस की जो गश्ती है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये गश्ती यहाँ पर हो रही है, क्या वजह है पुलिसकर्मियों की यहाँ होने की, और किस वजह से क्या समस्तीपुर के ऊपर वैसा कुछ खतरा मंडरा रहा है जिसके वजह से ये चेकिंग चल रही है, किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपके सामने आप देख सकते हैं बसों को रोक करके और ना जाने बाकी सारी गाड़ियों को रोक करके किसी चीज़ की चेकिंग हो रही है। अब जानेंगे कि ये शराब की चेकिंग है या किसी और चीज़ को ढूंढने का कोई कोशिश की जा रही है। तमाम लोग हैं। नमस्कार सर, ये किस चीज़ की चेकिंग चल रही है यहाँ पे? चेकिंग नहीं, ये लोग समस्तीपुर से आए हैं। अच्छा। चेकिंग तो कुछ है नहीं, मतलब फिर भी किसी चीज़ शराब बंदी को लेकर के। और सर किस चीज़ की चेकिंग चल रही है यहाँ पे? यहाँ पर किस चीज़ की चेकिंग चल रही है? बसों को रोक करके और तमाम चीज़ें हो रही हैं, सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर किस चीज़ की चेकिंग चल रही है? ये लोग थाना आए थे कुछ काम के चलते। कुछ काम के चलते थाना आए थे। अच्छा, थाना मतलब चेकिंग किस चीज़ के लिए हो रही है? नहीं पता हम लोग को नहीं है। किनके आदेश पे ये चेकिंग हो रही है? ये चेकिंग किस लिए हो रही है सर? सर ये अब हमें नहीं पता कि किस वजह से ये चेकिंग हो रही थी, किस लिए ये चेकिंग हो रही थी, और ये नो एंट्री है, शायद नो एंट्री में घुसने के लिए ये चेकिंग हो रही थी। ये तमाम लोग नव युवक थे, एनसीसी कैडेट लग रहे थे, या फिर वाकई मायने में ये हवलदार थे, ये सर से पुष्टि करते हैं। सर ये लोग हवलदार थे या एनसीसी कैडेट थे? ये तो हम लोग अभी देख ही रहे थे, अभी आया ही है। अच्छा, हवलदार थे या एनसीसी कैडेट थे? नहीं, थाने के स्टाफ थे, वो लाइन से आए थे, पुलिस लाइन से। हक कहा गया सर ऐसे करके अब जो सवाल करने? नहीं, उनका टाइम खत्म हो गया था, बस नहीं मिलेगा ना, पुलिस लाइन जा रहे हैं। अब पता नहीं कि वाकई में यहाँ पर किस चीज़ की चेकिंग चल रही थी। हमारे पूछने पे सर बस में चढ़ के चले गए, एक भी सवाल का जवाब उन्होंने सही से नहीं दिया, सही से देना उन्होंने सही नहीं समझा, और वो बस में चढ़ के यहाँ से चले गए। अब क्यों गए हमें नहीं पता, हो सकता है अब कहा जा रहा है कि यहाँ से बस नहीं मिलेगी, लेकिन बस तो हर समय यहाँ से चलते रहती है, यहाँ से लेकर के समस्तीपुर जाने के लिए हर समय रात के 9 बजे तक आपको ऑटो बस ये सब मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत ही कस के चेकिंग चल रहा था, हर एक गाड़ी को रोक के चेक किया जा रहा था। वाकई मायने में क्या यहाँ पर सही चेकिंग चल रही थी या सर जिस तरह से भागे हैं इसके ऊपर हमें थोड़ा सा शक हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि टाउन थाने तक ये वीडियो जाता है और वहाँ पर से क्या कुछ पुष्टि करके इस वीडियो के बारे में बताया जाता है, क्योंकि हर एक गाड़ी को रोक के वो लोग चेक कर रहे थे और हमारे कैमरे के पीछे हो सकता है कुछ पैसे भी लिए गए हों, लेकिन हमें नहीं पता क्यों कि सर यहाँ से खड़े होकर के क्यों भाग गई। 4-5 लोग थे, एनसीसी कैडेट लग रहे थे या थाने के स्टाफ थे, वो तमाम लोग यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर चेकिंग चल रही थी। अब अवैध चेकिंग थी या अवैध चेकिंग थी ये तो वही लोग जाने, लेकिन सवाल करने पर वो तमाम लोग बस में चढ़ के यहाँ से निकल जाते हैं, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते। बाकी आप देख रहे थे सतर्क बिहार, मेरा नाम है प्रतीक परमार, जय हिंद।